सुनो एंड्रूस, पिछले साल तक तुम हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स चैंपियन थे, हमें तुम पर गर्व था, लेकिन इस साल तुम एक भी स्पोर्ट्स इवेंट नहीं जीत पाए। आखिर बात क्या है? स्पोर्ट्स डे से एक हफ्ते पहले मुझे डायरिया हो गया और इस कारण मुझे शारीरिक कमजोरी हो गई, इसीलिए मैं जीत नहीं पाया। सुनो दोस्तों, संभल कर चलो, पूरे रास्ते पर मल पड़ा है। दीपक, नाच क्यों रहे हो? ठीक से चलो ना। हे, मैं नाच नहीं रहा, स्किन डिजीज के कारण मुझे खुजली हो रही है, ये देखो। सुनो, तुम भारापुर के विद्यार्थी बीमारी के कारण एब्सेंट रहते हो, इसलिए परीक्षा में नंबर भी बहुत खराब आए और हाल ही में खेलकूद में भी प्रदर्शन सचमुच बहुत खराब रहा। इसकी वजह क्या है? मैम, भारापुर में सफाई का नामो निशान नहीं है और वहाँ स्वच्छता का मतलब कोई नहीं जानता। मैडम, सभी सड़कों पर पूरी तरह पानी भरा हुआ है, बच्चे सड़क पर ही मल निष्कासित करते हैं, चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गांव बहुत गंदा है, इस कारण कई लोग डायरिया के शिकार हुए हैं और मच्छरों से मलेरिया और फिलेरिया जैसी बीमारियां फैली हैं। वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा गंदे रहते हैं और मैले भी रहते हैं, इसलिए उनका ये हाल है। आज क्लास में जो बातें हुई वो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हाँ आरती, और इसकी वजह है हमारे गाँव की गंदगी। क्या हमारा गांव चंद्रपुर की तरह साफ सुथरा नहीं हो सकता? क्या हम ये बदलाव ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमसे नहीं होगा, ये चमत्कार किसी को आसमान से नीचे उतर कर करना होगा। हमारी मदद के लिए कोई आएगा? हे दोस्तों, घबराओ मत, मैं हूँ वॉश, तुम्हारा दोस्त। मैं तुम्हारी इच्छा के मुताबिक आया हूँ, तुम्हारे गाँव को स्वच्छ बनाकर सब गाँव वालों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए। क्या हमारे गाँव की हालत सुधर सकती है? क्या खुशहाली होगी हमारे गांव में? हाँ, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो क्या दोगे? हाँ, हम आपका साथ जरूर देंगे। अरे क्या हुआ? इसे सांप ने डस लिया जब ये मल निष्कासित कर रहा था, इसकी जान बचाने के लिए हम इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। देखो दोस्तों, सड़क किनारे मल निष्कासित करने से दुर्घटना का खतरा रहता है, खुली जगहों पर कई जानवर आप पर हमला भी कर सकते हैं, जैसे सुअर, सांप या कुत्ते, जिससे कोई घायल हो सकता है या उसकी मौत हो सकती है। अगर मच्छर काट लें तो मलेरिया, फिलेरिया या चिकनगुनिया जैसे बुखार आपकी सेहत आसानी से बिगाड़ सकते हैं। आपने हमारी आंखें खोल दी, आपका शुक्रिया। हम मल निष्कासन के लिए शौचालय जाएंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहेंगे, फिर मिलेंगे। मिस्टर वॉश, मैं तो शौचालय ही जाता हूँ, फिर भी मुझे डायरिया हुआ, ऐसा क्यों? सवाल सोचने लायक है, खुली जगहों पर मल निष्कासित करने का असर दूसरों पर भी पड़ सकता है, तो पूरी सुरक्षा के लिए गांव के सभी लोगों को स्वच्छता का पालन करना चाहिए। ये मेरे मनपसंद पकवान है, मैंने अक्सर खाता हूँ, चलो हम सब मिलकर खाते हैं। दोस्तों जरा एक मिनट, यहाँ देखो। ये मक्खियाँ मल से कीटाणुओं को मिठाई तक जल्दी ही पहुँचा देती हैं। ऐसी मिठाई खाने से तुरंत डायरिया भी हो सकता है, क्या तुम अब ये मिठाई खाना चाहोगे? दोस्तों वो देखो, घरों से, हैंडपंप से और खुले नलकों से इकट्ठा हुआ पानी मच्छरों को प्रजनन करने में बहुत मदद करता है और इसी वजह से इस गांव के कई लोगों को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो गया है। अच्छा, तो इस पानी का क्या करें? अपने घर ले जाएं क्या? अच्छा सवाल है, सुनिए, आप लोग इस पानी का इस्तेमाल अपने किचन गार्डन में कीजिए, घर के लिए सब्जियां घर में ही उगाइए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ऐसा हुआ तो मेरे फल सब्जियों के खर्च पर रोक लग जाएगी और फिर मैं अधिक से अधिक बचत कर पाऊंगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बात बताइए, हैंडपंप और खुले नलकों से जमा हुए पानी के लिए कोई सुझाव देंगे आप? बिल्कुल, पानी के इन स्रोतों के पास सोक पिट बनाने से जमीन के नीचे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और वाटर टेबल में सुधार होगा, जिससे गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी। इसका मतलब गर्मियों में पीने के पानी के लिए दूर जाने की
कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा। आपके कमाल के विचारों के लिए शुक्रिया। हम उन पर अमल करेंगे और पड़ोसियों को भी शिक्षा देंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरी बच्ची को डायरिया हुआ है, कैसे ये नहीं पता, पर ये अपने मंत्र शक्ति से इसका इलाज कर देंगे। बस कीजिए, इससे हाँ? बच्ची को कोई फायदा नहीं होगा। पहले उसका मल साफ कीजिए और अपने हाथ साबुन से धोइए। इस ORS पाउडर को 1 लीटर उबाल कर ठंडे किए हुए पानी में मिलाइए और इस मिश्रण को थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच से बच्ची को पिलाइए। अगर राहत न मिले तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। ये सब्जियाँ खेत से हैं, इन पर गाय भैंसों के कीटाणु और मल के अंश हो सकते हैं, तो इन्हें पकाने से पहले इन्हें अच्छी तरह धोना जरूरी है। उसी तरह जब मीट पकाना हो तब उसके कीटाणुओं का नाश करने के लिए उसे उबालना जरूरी है। ये मक्खियाँ रोग फैलाने वाले कीटाणु फैला सकती हैं। ये खाना खाने से आप आसानी से किसी बीमारी का शिकार बन सकते हैं। आपकी बच्ची की यह हालत इसी वजह से हुई होगी। कृपया बर्तन हमेशा ढक कर रखें और उन्हें हमेशा किसी प्लेटफॉर्म या मेज पर रखें। आप इस कूड़े का क्या करेंगी? सड़क पर फेंक दूंगी, क्यों, ठीक है ना? नहीं, कूड़े में ही मक्खियाँ प्रजनन करती हैं जो बीमारियाँ फैलाती हैं। इस कूड़े को फसल के लिए खाद में भी बदला जा सकता है। घर के बाहर एक कंपोस्ट टैंक की मदद से ये आसानी से हो जाता है। क्या आइडिया है, धन्यवाद। आज से मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। पीने का पानी आप कहाँ से लाती हैं? नजदीक के तालाब से। हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ जरूर, आइए चलें। मिस्टर वॉश, हम समझ गए, जरा एक मिनट रुकिए। सभी मेरी बात सुनिए, ये तालाब यहाँ रोज हो रहे अस्वच्छ कार्यों की वजह से दूषित हो गया है। अगर इस पानी को नहाने और पीने के लिए इस्तेमाल किया गया तो हमें बड़ी आसानी से डायरिया और कॉलेरा जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। पानी हमेशा सुरक्षित स्रोतों से लेना चाहिए, जैसे कि कोई हैंडपंप या ओवरहेड टैंक के नल से। मैं रोज यही आकर नहाता हूँ, इसीलिए मुझे स्किन इन्फेक्शन है। हाँ, अब हम समझ गए। सलाह के लिए शुक्रिया। कविता, दीपक, तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। प्यारे दोस्तों, अब आप लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने की जरूरत और अहमियत को समझ गए, साथ ही अब आप दूसरों को शिक्षित करने लायक भी हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा काम खत्म हुआ। उम्मीद है जब मैं अगली बार आऊंगा तब सभी गांव वाले स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिता रहे होंगे। बाय। हम अगले स्पोर्ट्स डे के लिए आपको न्योता देंगे मिस्टर वॉश, जरूर आना। बाय मिस्टर वॉश, हमारे दोस्त, शुक्रिया, बाय।